हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा, इज एमआर गुड एट प्लस जीरन का क्या यूज है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम कब गुड एट जीरन का यूज करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज की लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में कहना होगा कि कोई एक नाउन किसी काम में माहिर है या अच्छा है, तो आप इजारम के साथ गुड एट प्लस जीरन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह खाना पकाने में अच्छी है, तो आप कहेंगे सी इज गुड एट कुकिंग फूड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वे लोग इंग्लिश बोलने में अच्छे हैं, तो आप कहेंगे दे आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। फ्रेंड्स, अगर मुझे कहना हो मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ, यानी मैं इस काम में अच्छा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम गुड एट टीचिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह पढ़ाई करने में अच्छा है, तो आप कहेंगे ही इज गुड एट स्टडिंग। आप मजाक करने में अच्छे हैं, यू आर गुड एट मेकिंग फन। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वे लोग क्रिकेट खेलने में अच्छे हैं, तो आप कहेंगे दे आर गुड इन प्लेइंग क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बात समझ में आई कि जब कभी भी आपको कहना हो कि कोई एक इंसान किसी काम में अच्छा है, तो आप इजारम के साथ गुड एट प्लस जीरन का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह पैसा कमाने में अच्छा है, तो आप कहेंगे ही इज गुड एट अर्निंग मनी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और जब कभी भी आपको कहना हो कि कोई एक नाउन किसी काम में माहिर है या अच्छा है, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोल पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आप इस लेसन को समझे तो प्लीज आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। अगर लिखा हो माई टीचर इज गुड एट टीचिंग इंग्लिश, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।